या हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम लोग एसक्यूएल सीख रहे हैं एंड हमारा टूल है पोस्टग्रेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ हमने वेयर स्टेटमेंट सीखा था एंड उसके वेरियस ऑपरेटर्स। सबसे पहले आप पीजी एडमिन ओपन कर लीजिए, ठीक है। एंड इसमें ऑलरेडी आपने हमने यहाँ पे पोस्टग्रेस में डेटाबेस बनाया था डीबीटी रेंटर, उसमें आप स्कीमाज में जाइएगा एंड टेबल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्वेरी टूल ओपन करिए। तो आज हम सीखेंगे कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस या कुछ फंक्शंस जो कि हम सेलेक्ट के और फ्रॉम के बीच में लिखते हैं, ठीक है। जब हम सेलेक्ट में जब कॉलम लिस्ट डालते हैं तो उसमें कौन से वेरियस एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो वो आज हम लर्न करेंगे, ठीक है। तो वो फंक्शंस मैं बता देता हूँ क्या क्या हम लर्न करेंगे। सबसे पहले मैक्स, ठीक है, मैक्स, मेन, काउंट और डिस्टिंक्ट। तो कभी कभी कुछ डेटा चेक करने के लिए ये एग्रीगेशन और ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो सपोज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास वेरियस टेबल्स, ठीक है। चलिए पेमेंट टेबल को चेक कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट, पेमेंट। अब देखिए इसको रन करिए, तो ये हमारे पास पेमेंट आईडी है, स्टाफ आईडी है और यहाँ अमाउंट कितना पेमेंट को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिनिमम पेमेंट किसको मिला है, किस कस्टमर आईडी को, या मिनिमम पेमेंट क्या है हमारे पूरा जो भी स्टाफ है उसमें सबसे मिनिमम पेमेंट कितनी है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कैसे। सेलेक्ट, इसमें मैं सिंटैक्स नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट चेक करिए, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी होता है इसको यूज करना। सबसे पहले सेलेक्ट मिन, ठीक है, मिन के बाद अमाउंट, जिस चीज का हमको मिनिमम चाहिए, तो हमें यहाँ पर मिनिमम चाहिए था अमाउंट का मिनिमम, और किससे चाहिए था, फ्रॉम पेमेंट, ओके। तो ये क्या हमें बता रहा है कि स्टेटमेंट कि हमको मिनिमम अमाउंट बता दो पेमेंट टेबल से, ठीक है। जब इसे रन करेंगे तो आप देखिए आउटपुट तो आया जीरो, मतलब किसी किसी की पेमेंट जीरो भी है। अच्छा, मैक्सिमम पेमेंट किसकी है, अगर कोई मैक्सिमम पेमेंट क्या है वो भी अगर पूछ लें तो कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट मैक्स एंड देन अमाउंट, फिर फ्रॉम और पेमेंट, इसको रन करेंगे तो ये आया 11.99। तो एक बार फिर से टेबल चेक कर लेते हैं पेमेंट में क्या क्या था, तो ये कैसे हम इसको रन कर सकते हैं, तो ठीक है। तो मिनिमम और मैक्स स्टेटमेंट आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद काउंट, अब हम अगर इसमें एक ले लेते हैं, एक मिनट हो जाइए, पेमेंट को चेक कर लेते हैं, इन्होंने डिस्टिंक्ट बना रखा है ऑलरेडी। हाँ, कितने हमारे पास कस्टमर आईडी है, अगर हम उससे हम लोग डिस्टिंक्ट ले लेंगे, तो सेलेक्ट यहाँ पे काउंट करते हैं, काउंट, और यहाँ पर डालते हैं कस्टमर आईडी फ्रॉम, ये हमारी थी पेमेंट टेबल, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 14,000 कुछ कस्टमर आईडीज हैं, बट इसमें रिपीटेड वैल्यूज भी, अगर आप वापस चेक करेंगे देखिए इसमें, तो देखिए 341 341। तो अगर हम डिस्टिंक्ट कस्टमर पता करना चाहें तब कैसे पता कर सकते हैं, सेलेक्ट काउंट इसका डिस्टिंक्ट है ना, तो ब्रैकेट आएगा डिस्टिंक्ट और कस्टमर आईडी और आईडी फ्रॉम पेमेंट, इसको रन कर लेते हैं देखिए, तो 599 एक्चुअली कस्टमर आईडीज हैं हमारे पास एंड वो बार बार रिपीट हो रही हैं,
इसलिए वो 14,000 तक जाता है। तो डिस्टिंक्ट हमारे पास ये है। अगर आपको नंबर नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको सारी वैल्यू चाहिए 599 की लिस्ट एज अ लिस्ट फॉर्म में, तब हम सिर्फ डिस्टिंक्ट यूज करेंगे। कैसे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ओके, यहाँ पर फ्रॉम पेमेंट। अब ये देखिए, पूरी आपको वैल्यूज दे देगा एज अ लिस्ट। तो देखिए, ये हमारी कस्टमर आईडीज हैं, ठीक है, और ये 599 कस्टमर आईडीज की पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास। ओके, इसको आप ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं। ऑर्डर बाय ऑलरेडी हमने लर्न कर लिया है, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, असेंडिंग कर सकते हैं या डिसेंडिंग कर लीजिए। ये देखिए तरीके से आप रन करिए, तो ये 599 से लेके एंड तक आपके पास सारी कस्टमर आईडी आ जाएगी। ओके, सो होप आप समझ गए होंगे कि मिन की फंक्शनैलिटी, मैक्स की फंक्शनैलिटी, काउंट, डिस्टिंक्ट, ये कब हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर फिल्म एक्टर की टेबल देखते हैं, देखें फिल्म एक्टर, तो ये हमारे पास कुछ 5,000 समथिंग रोज हैं, और यहाँ पर फिल्म आईडी है ना, और एक्टर आईडी है। तो देखिए एक्टर आईडी रिपीट हो रहे हैं, तो हमें डिस्टिंक्ट अगर एक्टर आईडी पता करने हैं कि कितने एक्टर हैं जो इस डेटाबेस में प्रेजेंट हैं, टोटल नहीं डिस्टिंक्ट, मतलब जैसे वन है तो वन तो एक ही एक्टर होगा एंड टू अनदर, बट इसमें वन ने के रोज हैं 18 एंड 19 एंड टू के भी। हम लोग यहाँ पर सिंपल यूज कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि कितने एक्टर्स थे इस टेबल के अंदर, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करेंगे, काउंट ले लेंगे, काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड ब्रैकेट, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर हम ब्रैकेट यूज करते हैं और इस तरीके से हम लिखते हैं फ्रॉम टेबल हमारी थी आई थिंक फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्टर। देखते हैं हमारे पास डिस्टिंक्ट कितने हैं, तो हमारे पास 200 डिस्टिंक्ट हैं और सम और टेबल थी पूरी 5,000 की। अगर इसकी आपको लिस्ट चाहिए तो डायरेक्ट आप काउंट हटा दीजिएगा, एक डिस्टिंक्ट लिखिएगा, एक काउंट हटा दीजिए, एक फंक्शन को हटा दीजिए, तो उसका ब्रैकेट भी हट जाएगा, एंड इसको रन करिए, तो ये आपके एक्टर आईडी आ गए। तो आप ऑर्डर बाय कर सकते हैं, ऑर्डर बाय एक्टर आईडी, तो ये देखिए आपकी सारी एक्टर आईडीज 200 की जितने भी थे, 200 एक्टर आईडीज, वो हमारे पास एज अ लिस्ट आ गया है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वेरियस टेबल्स हैं, इसको आप एक्सप्लोर करिए एंड देन ये फंक्शनैलिटी को यूज करिए। थैंक्स।